श्योर इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर हम रियल AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉइंस मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किए हुए थे जो हो सकता है आज प्रॉफिट नहीं देंगे लेकिन लॉन्ग रन में आपके लिए बेस्ट एसेट माने जाएंगे, जैसे कि FET है Fetch.ai का, AGIX है सिंगुलैरिटी नेट का, ओशन प्रोटोकॉल का ओशन कॉइन है। और इसी के साथ ऐसे और भी अच्छे अच्छे कॉइन्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी अगर आप AI की कैटेगरी खोलोगे, जैसे कि ChainGPT का CGPT कॉइन है। अभी इसकी वैल्यू सिर्फ 5-6 सेंट के आसपास चल रही है, आज अगर आप ये लेके रख लेते हो तो लॉन्ग रन में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। या फिर नुमरेर के नाम से है जो कि NMR के सिंबल से ये वाला कॉइन है। तो ऐसे अच्छे कॉइन्स को आप बाय करें, होल्ड करके रखें, तो ये आपके लिए लॉन्ग रन में फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दोगे जिनका कोई बेस नहीं बना हुआ तो आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़े लॉस में ले जा सकता है। तो आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि थोड़ी बहुत आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप भी आने वाले समय में थोड़ा और प्रिकॉशन लेकर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपको किसी और पर्टिकुलर कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई फेवरेट कॉइन है नीचे कमेंट कर दीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट है मैंने उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच सकें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पर गैम्बलिंग यानी कि ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस वक्त बन रहा है। तो यहाँ पे हम टेलीग्राम बॉट या मीम्स के ऊपर नहीं जाएंगे। मीम्स का हम जानते हैं कि हाँ ठीक है, जो कुत्ते वाले होते हैं या जानवरों वाले कॉइन्स होते हैं ठीक है उनमें प्रॉफिट होता है, लेकिन हम AI के ऊपर चलते हैं क्योंकि ट्विटर को X इसलिए नाम दिया गया ताकि वो AI के नाम से जाना जाए आने वाले समय में कि ट्विटर मोस्ट एडवांस्ड है। यही कारण है कि वो ट्विटर के ऊपर कई सारी सर्विसेज और भी ज़्यादा ऐड करने वाले ताकि ट्विटर को ही एक्सेप्ट किया जाए, इसी को अडॉप्ट किया जाए इंस्टेड ऑफ थ्रेड, जो कि थ्रेड लॉन्च किया गया मेटा के द्वारा, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के द्वारा जो लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने सर्च किया X के नाम से कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 3-4 कॉइन्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने कॉइन खोला, इसके ऊपर चल रहा है लगभग 1100-1200% का प्रॉफिट जो कि एक दिन के अंदर का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका रैंक भी 399 के आसपास आ चुका है। तो ये कॉइन अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है, शायद आप इसको एकदम से बाय करना भी चाहोगे, लेकिन अगर आप देखते हो कि ये अभी अवेलेबल नहीं है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर तो इसकी शायद न्यूज़ ऐसी भी होगी कि आने वाले समय में शायद ये एक अच्छी एक्सचेंज के ऊपर आएगा। और इसका 24 आवर का वॉल्यूम $2.6 मिलियन चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है, मोस्ट वन ऑफ द अट्रैक्टिव है। अगर हम इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जो है xaielonmusk.xyz, इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं एलन मस्क की। और आप इसके ऊपर देखोगे कोई खास यूज़ केस नहीं है इस प्रोजेक्ट का, यही कारण है कि ये बिल्कुल खोखला प्रोजेक्ट है। आज अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको भी नहीं पता होगा कि वो आपके कॉइन्स कभी सेल होने वाले या नहीं होने वाले, चाहे लॉस में भी आप हो तब भी सेल होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। दूसरा प्रोजेक्ट ये अगेन X के नाम से है, XAI। तो यह अगर $X सर्च करते हैं तो ये हमें ये दिखने वाला है, इसके ऊपर लगभग 30-40% का प्रॉफिट दिख रहा है, शायद अच्छा ही प्रोजेक्ट होगा। तो ये भी पैनकेक स्वैप के ऊपर है, आने वाले एक्सचेंजेस के ऊपर कब लिस्टिंग है कब नहीं ये हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली है यहाँ पे। और ये साइट भी कुछ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ AI के द्वारा बनाई गई है, AI इमेज है जिसमें इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि XDRAW, XGPT, XScanner, XTrading, तो काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगेन इनका भी कोई खास यूज़ केस नहीं है। हो सकता है लॉन्ग रन में ये अच्छा प्रोजेक्ट चले, लेकिन आज अगर हम बात करें तो इनकी कोई ना तो पार्टनरशिप है, इनके सिर्फ न्यूज़ एंड मीडिया के ऊपर इन्होंने अपनी पोस्ट डलवाई हुई है ये बोल के कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में क्या होगा इसका, क्योंकि एलन मस्क के साथ कोई लेना देना नहीं है जिस कारण इस कॉइन में कोई हमें प्रॉफिट भी नहीं मिला। तो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे एलन मस्क दिख रहा था तो ये कॉइन ने अच्छा प्रॉफिट दिया, और इसके ऊपर एलन मस्क नहीं है जो दूसरा हमने प्रोजेक्ट चेक किया, तो जिस कारण इसमें प्रॉफिट भी नहीं आया। तीसरा कॉइन हमने देखा यहाँ पे अगेन X के नाम से, इसका नाम भी X है और इसकी वैल्यू में लगभग 90% का इंक्रीज़ आया है पिछले समय के अंदर, अच्छा प्रॉफिट भी इसने दिया है। तो ये सुशी स्वैप के ऊपर है, ओपन ओशन के ऊपर है, और इसकी वेबसाइट देखें तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, X मार्केट प्लेस हैज़ नाउ क्लोज, यानी कि साइट ही बंद है, इनकी साइट अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन ये कॉइन यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है जो कि सुशी स्वैप के ऊपर है। अब आप खुद सोचो कि जिस प्रोजेक्ट का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, खास साइट नहीं है, तो आने वाले समय में वो क्या करेगा। यही कारण है मेरा वीडियो बनाने का कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि X सर्च किया और X में इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने प्रोजेक्ट चेक करना है, साइट चेक करनी है कि वो कैसा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, आने वाले समय में क्या करने वाले। तो अगर प्रोफाइल अच्छी लगे तो उसके ऊपर फॉर श्योर इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर हम रियल AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किए हुए थे जो हो सकता है आज प्रॉफिट नहीं देंगे लेकिन लॉन्ग रन में आपके लिए बेस्ट एसेट माने जाएंगे, जैसे कि FET है Fetch.ai का,
AGIX है, सिंगुलैरिटी नेट का, ओशन प्रोटोकॉल का ओशन कॉइन है। और इसी के साथ ऐसे और भी अच्छे अच्छे कॉइन्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, अगर आप AI की कैटेगरी खोलोगे, जैसे कि चेन GPT का CGPT कॉइन है, अभी इसकी वैल्यू सिर्फ 5-6 सेंट के आसपास चल रही है। आज अगर आप ये लेके रख लेते हो तो लॉन्ग रन में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। या फिर नुमरेर के नाम से है, जो कि NMR के सिंबल से ये वाला कॉइन है। तो ऐसे अच्छे कॉइन्स को आप बाय करें, होल्ड करके रखें, तो ये आपके लिए लॉन्ग रन में फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दोगे जिनका कोई बेस नहीं बना हुआ, तो आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़े लॉस में ले जा सकता है। तो आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि थोड़ी बहुत आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप भी आने वाले समय थोड़ा और प्रिकॉशन लेकर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपको किसी और पर्टिकुलर कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका कोई फेवरेट कॉइन है, नीचे कमेंट कर दीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट है, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।